हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है शरद पूर्णिमा, तो हैप्पी शरद पूर्णिमा सभी के लिए, सभी यूट्यूब फैमिली के लिए। और क्योंकि ना ज्यादातर सभी फास्ट रखते हैं और सभी के हम मनाते हैं, तो हैप्पी शरद पूर्णिमा। और जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला था वो शरद पूर्णिमा का डाला था पिछले साल, उस समय थी 31 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा थी, और इस बार है 20 की, मतलब आज 20 है, तो ये है आज 20 की। तो गाइस, मेरा ना 1 ईयर्स पूरा भी हुआ नहीं है, बस हो जाएगा 10-11 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा चैनल का पूरा जो भी रहता है सब कुछ कंप्लीट हो गया, जैसे कि 1K होना और चैनल मोनो होना, और ये सब हुआ है एक पागल इंसान की वजह से, जो कि ना 3 महीने खुद सोए ना मुझे सोने दिया। और जब मैं सो जाती थी मेरा मन नहीं करता था हेल्प भी करने को कभी कभी, तो जबरदस्ती गुस्सा हो के कराते और खुद भी नहीं सोते थे। पता वैसे वो 8-7 बजे सो जाते हैं, लेकिन मेरी एलबी के चक्कर में वो 12-1 बजे सोते हैं, और उन्हें 3-4 बजे उठना भी रहता है, लेकिन वो जितना टाइम मैं जागती थी उतना टाइम वो भी जागते रहते थे। और इसीलिए सब जो भी दोस्त हैं, जैसे कि एक चुड़ैल है, एक मीनू है, सपना है, सभी जितने भी हैं सभी का दिल से थैंक यू और धन्यवाद, क्योंकि ना जब तक मैं जागती रहती ये सब जागते रहते थे और कोई भी नहीं सोता था, क्योंकि मैं देर रात तक एलबी करती, दिन में कम करती थी तो रात को ही करती थी, तो मैं देर रात तक करती थी, तो सभी लोग जागते रहते थे और बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दिया था सबने, तो सभी के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और जितना भी था मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, लगभग 11 मंथ में मेरा चैनल मोनो हो गया, 1 महीना हो गया मेरे चैनल को मोनो हुए। तो गाइस, और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं या जो भी लोग मुझसे न्यू जुड़ते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल वॉच कर दिया करो। और वीडियो देखने के बाद कुछ लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज गाइस लाइक कर दिया करें। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सॉरी गाइस आज वीडियो फास्ट है तो एडजस्ट करिएगा। और मैंने कढ़ाई में डाला था जीरा, मतलब ऑयल और जीरा, और अब डाल दिया है हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, और एक ग्रीन टमाटर लिया था मैंने और एक रेड टमाटर लिया था। तो सॉरी गाइस, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूँगी। और डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, गरम मसाला पाउडर और ये धनिया पाउडर, जितना था सब डाल दिया, आज ख़त्म हो गया है धनिया पाउडर, अभी लाना है। तो मैं साबुत धनिया ला के घर में पाउडर बनाती हूँ, और ये डाल दिया है अमचूर पाउडर। डिस्क्रिप्शन में मैं हर चीज़ डिटेल में डालूंगी, अगर आप लोग बनाएंगे तो वहाँ से ले लेना। और ये अमचूर पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है ब्रेड रोल में, और बहुत टेस्टी लगते हैं इसे डाल के। तो गाइस, अमचूर पाउडर ज़रूर डालें थोड़ा सा, अगर ना हो तो फिर लेमन जूस डाल सकते हैं, नहीं तो अमचूर ही पाउडर अगर हो तो ज़रूर डालें। और ये मसाला रेडी हो गया है, मैंने एक किस्म का सब्जी जैसा मसाला है ये, काफ़ी अच्छे से मैं इसे भून दूंगी। और ये डाल दिए मैंने आलू, और आलू को जब तक भूनना है ये खूब अच्छे से, इनका जो मॉइस्चर रहता है वो सूख नहीं जाए। और एक कटोरी मैंने छोटी कटोरी धनिया कट की थी वो डाल दी है, धनिया इसमें ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है धनिया, इसीलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ। और ये बहुत अच्छे से भून देने हैं, मतलब खूब अलट पलट के इसको चला चला के अच्छे से मैश कर देने हैं, और खूब एकदम क्रीमी टेक्सचर आने लगेगा बाद में इनका अच्छे से। और ये मैंने निकाल के रख दिए हैं प्लेट में थोड़े ठंडे होने के लिए, और बना लेती हूँ ब्रेड रोल। और ये मैंने कढ़ाई रखी, वही वाली कढ़ाई साफ करके रख दी है दोबारा से, और इसमें डाल दिया है मैंने मतलब ऑयल डाल रखा है, अभी दिख नहीं रहा है कैमरे में लेकिन ऑयल है इस कढ़ाई के अंदर। तो मैं बना लेती हूँ ब्रेड रोल, बना के रख देती हूँ, क्योंकि एक बार में 8-10 सेकूँगी मैं, तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएंगे, तो पहले ही रख देती हूँ। और अगर ब्रेड रोल आप लोग बना रहे हैं तो 5-10 मिनट पहले बना के रख दें तो और अच्छा है, ताकि उनका जो पानी रहता है सूख जाएगा, तो वो और एकदम क्रंची जैसे टेक्सचर देते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं वो। तो लेकिन मैं तो हैंड टू हैंड बना रही हूँ, कोई बात नहीं, हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं।
तो कुछ बना रही हूँ मैं, जो साइडें रहती हैं ब्राउन वाली वो कट करके, और कुछ बनाऊंगी मैं मतलब साइडों सहित, तो दोनों तरह के आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये वाले जो रखे हैं ये तो सब साइडें काट के बना रखे हैं, और ये ना बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखो तो आसानी से एकदम बन जाते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। बस ब्रेड को हल्का गीला करो और उसका हथेली से दबा दबा के पूरा पानी निकाल दो, बस ब्रेड टूटे ना इस बात का ध्यान रखें। और ये सेफ आसानी से ले लेता है क्योंकि ब्रेड एकदम गीला रहता है और चिपक भी जाता है। और ये मैंने डालने के बाद अब गैस को ऑन कर दिया है, क्योंकि ये मैंने 8 से 10 ये कढ़ाई में डाल रखे हैं, और वाकई बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बने थे। और थोड़ा आज मैं एक्स्ट्रा हैप्पी भी हूँ, वैसे तो मैं हैप्पी हमेशा रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा हैप्पी हूँ। वो मैं अभी आपके साथ बात करूँगी तो पता चल ही जाता है आपको, तो इसीलिए। और ये मैंने एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं और दूसरी तरफ से सेक दूंगी, मतलब पलट दूंगी तो दूसरी साइड भी सिक जाएगी इसकी अच्छे से। और फिर मैं अब और बना के रख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन हाँ मैंने 2 बारी में सारे सेके थे तो बने थे काफ़ी, मतलब 15-20 पीस बने थे, अच्छे लग रहे थे और खाने में बहुत टेस्टी थे। इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि खा खा के बस वेट बढ़ा रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो सब मुझे डांटते हैं इतना तली तली चीजें मत बनाया करो और मत खाया करो, लेकिन क्या करूं फिर, मैं क्या डालूं, इसी चक्कर में सब कुछ बना देती हूँ। और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं ये सब चीजें देख के, और उनकी डिमांड रहती है ये बनाओ वो बनाओ, तो फिर मैं मम्मी होना है इसीलिए मैं भी बना ही देती हूँ, बच्चे कहते हैं तो। और ये सब मैं, और आलू तो ये काफ़ी सारे बच गए थे, मैंने टिफिन में पलट के रख दिए थे, क्योंकि ना इसके साथ तो रोटी ऐसे भी खा सकते हो, ये तो भरता टाइप हो है आलू का, बहुत टेस्टी लग रहा था, मैंने खाया था रोटी के साथ में, लंच में यही खाया था। तो ये मेरा एक ही बार के तो सीख चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, ब्राउन ब्राउन गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है। और एक बार और बनाऊंगी, बस उसके बाद ऑफ कर दूंगी गैस। तो आज मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा आज हमको नाश्ते में कुछ एक्स्ट्रा वाला चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा वाला लेने गया है, क्योंकि उसका मतलब था बाहर का कुछ चाहिए, हम रोज तो घर का ही खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, कभी कभी बच्चे जिद करते हैं तो हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बच्चों से ज़्यादा मना नहीं कर पाती मैं, और बच्चे इसी बात का मेरा फायदा उठाते हैं। तो गाइस वो गया है, अभी देखते हैं क्या लेके आता है, अभी गया है मेरे से पैसे लेके शॉप पर गया है, अभी आएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या लेके आया है। तो ये मेरे जो कढ़ाई वाले हैं मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अच्छे से हो गए हैं गोल्डन, और मुझे तो मेरा घर का ही बना हुआ खाना अच्छा लगता है, तो जो लाया वो कम अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे ब्रेड रोल बहुत पसंद आए क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे, और देखो देखने में भी बहुत सुंदर स्मार्ट दिख रहे हैं वो। स्मार्ट एकदम पागल इंसान की तरह स्मार्ट ब्रेड रोल बने हैं। और ये देखो मैं निकाल रही हूँ ना, बस इसका इसी बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड का जो पानी निकालते समय ब्रेड टूटे ना, बस इस बात का ध्यान रखना है, और तो इससे कुछ भी नहीं है, बन जाते हैं बहुत आसानी से। और देखो ये अभी भी मैं निकाल रही हूँ ना, पानी तो निकल रहा है। ये देखो, और सभी निकाल के मैं इसी तरह से रख दूंगी, बस बन गई ये लास्ट है, और इसके बाद मैं डाल दूंगी सीधे कढ़ाई में, और कढ़ाई के बाद सीधे पेट में, बस दो ही काम होते हैं नाश्ते के साथ। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ब्रेड रोल अगर पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी मेरे न्यू फ्रेंड हैं। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ सभी लोग हेल्प करें मेरी, और मेरी क्या जितने भी यूट्यूबर हैं सभी की हेल्प करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ हेल्प मी। और ये मैंने दूसरी वाली के डाल दिए हैं, और बस मैं अब इतना ही बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो सोच लो फिर क्या हो सकता है। और ये आलू काफ़ी बच गए हैं, और ये मैं खाऊंगी। सब मैं नहीं, बेटे ने भी खाए थे, सबने खाए थे लंच में, दोपहर में, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग रूटीन ही शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये केवल मॉर्निंग 10 या 11 बजे तक का वीडियो है, उसके बाद मैंने एंड कर दिया था। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में रात के समय, तो इसीलिए ना लंच में आज हमने यही खाया था। और ये निकाल देती हूँ मैं दही, क्योंकि बच्चों को नाश्ता करना है, तो नाश्ते में बच्चे ना चाय वगैरह नहीं लेते, तो दही तो दोनों खाते हैं, दही जरूर दे देती हूँ मैं उन्हें, और वो दूध भी कम पीते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, तो इसीलिए दही। और मैं कह रही ना बेटा गया लेने आज कुछ बाहर का, तो ये लेके आया है खस्ता, जो खस्ता कचौड़ी होती है ना वो लेके आया है, उसके साथ आई है आलू की सब्जी। और मैं आलू की सब्जी खोल देती हूँ और उसको निकाल देती हूँ पहले एक डोंगे में, उसके बाद निकालूंगी कटोरी में। और ये देखो गिर गई, एक दिन मैं ऐसे ही दूध पलट रही थी पिन्नी से, तो वो भी गिर गया। ये मेरे से गिरते बहुत हैं, ये काफी सब्जी गिर गई, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ, और उसके बाद निकाल के बच्चों को नाश्ता दे दूंगी। दही, खस्ता कचौड़ी और ब्रेड रोल, आलू टमाटर की सब्जी आई है, जो कि खस्ता के साथ आई है, मैंने नहीं बनाई है, लेकिन काफ़ी टेस्टी होती है, जहाँ से ये खस्ता आए हैं ना उनकी सब्जी और खस्ता कचौड़ी काफ़ी टेस्टी होती है। और मेरे यहाँ जल्दी से बाहर से कुछ आता नहीं है, ये कम से कम 6-7 महीने बाद ये लाया होगा। तो ये है एक प्लेट, ये लग गई, मैं दोनों को एक ही प्लेट में दे दूंगी नाश्ता। और ये है जलेबी, कि जो खानी है मनी को, बस उसी की फेवरेट है घर में जलेबी, और कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। और वही ये सारे जितनी प्लेट में है ना, मनी फिनिश करेगी इन्हें, हम लोग तो नहीं खाएंगे जलेबी। और ये देखो बैठी है ना, कह रही है पहला आज आप जलेबी खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक खा लेती हूँ, तो वेट कर रही है मेरे खाने का। देखो खुद भी खा रही है। फिर अब मैं नाश्ता करके पहुंच गई हूँ शॉप पे, क्योंकि मेरे घर का आज ना कुछ सामान खत्म हो गया था, तो वही लेने, डिटर्जेंट वगैरह। तो ये देखो पूरा शॉप दिख रहा है ना, मैं और हर्ष दोनों गए थे सामान लेने। और जो आवाज़ें आ रही हैं तो सॉरी, इग्नोर करना गाइस, ये बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। तो ये भैया मुझसे कुछ कह रहे थे, और ये मैं पहुंच गई वहां से आने के बाद छत पे, ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और ये सामने दिख रहे हैं पहाड़, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, इसीलिए पहाड़ जब बारिश होती है ना तो नज़दीक दिखते हैं। तो ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिख रहा है, छत का व्यू इतना स्मार्ट लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर व्यू था छत पे। तो मैं कपड़े डालने गई थी, बच्चे थे तो उन्होंने वीडियो बना ली, और ये देखो पहाड़ी एरिया दिख रहा है पूरा, इतना सुंदर लग रहा था। ये ममटी की छत पे से बना रहे हैं, ये टैंक दिख रहे हैं पानी के हमारे, बहुत स्मार्ट लग रहा। गाइस खोल देती हूँ सामान, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जरूरत पड़ती है इसकी। ये है टॉयलेट क्लीनर, और ये है 2 पेस्ट लाई, एक ये ऑयल हेयर ऑयल है, ये एक ब्यूटी क्रीम है, और ये सब बर्तन धोने वाले और कपड़े धोने वाले साबुन है, नहाने वाला भी है इसमें। ये सॉल्ट है, नमक यानी, और ये है ऑयल के,
पैकेट जो कि मुझे अभी खोल के रखने हैं। हींग है, ये ब्रशेस वगैरह है सबके, और ये शैम्पू था। ये एक कंपनी है, आज ही ज्वाइन की है मैं, वहां से लाई थी। और ये है किचन, और ये मिक्सचर का एक ही पैकेट लाई हूँ आज। जो जो सामान खत्म हो रहा था बस वही लाई हूँ, कुछ था कुछ खत्म हो रहा था। और ये है मतलब टी, और ये राजमा है, ये मिक्स दाल है, हल्दी पाउडर, ये मिक्स दाल इसी तरह से आता है इसमें। और ये राजमा, एक पैकेट राजमा है, ये हाफ हाफ केजी है दोनों। और ये है डिटोजिन, ये भी हाफ केजी वाला ही है। जीरा है, और ये गरम मसाला, सब्जी मसाला, और ये पेस्ट छोटा गाड़ी के लिए, ये गाड़ी में रख लेते हैं कहीं जाते हैं तो। तो गाइस आज मैं बस इतना ही लेके आई, क्योंकि जो जो सामान खत्म हो रहा था ना घर में वही लेके आई, कुछ बाकी सामान था तो बस यही लेके आई। अभी मैं इसे खोल दूंगी क्योंकि पेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है सुबह को, तो इसको मैं निकाल के और खोल के रखूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, पहले इस सामान को मैं अरेंज कर देती हूँ जहाँ पे मुझे रखना है, रख देती हूँ इसको।